अजीब सा शख्स है कौन, हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा, इसे देखकर हम डरे या हंसे। जा पना, ये एक शापित मनुष्य है, इसका नाम बाघ बहादुर उर्फ बागू है। गांव में होने वाली नौटंकियों में बाघ का अभिनय करता है और ये काम कई सालों से करता चला आ रहा है। तो इस वजह से ये शापित हो गया? नहीं जहांपना, दरअसल ये हर रात को असली बाघ बन जाता है, फिर गांव में घूमकर हम लोगों की बकरियां और मुर्गियां चुरा भागता है। और तो और जहांपना, ये मेरी गाय भी उठा ले गया। आप लोग इतने यकीन से कैसे कह सकते कि ये सब ये बागू ही कर रहा है? क्योंकि जहांपना, गांव से कई पालतू जानवर हमारे गायब हुए हैं, उनकी कभी कोई खबर नहीं मिली है, लेकिन हाँ एक बाघ के पैरों के निशान जरूर मिले हैं। गांव वालों ने इसको इसी हालत में घूमते हुए देखा है और सब जानते हैं हमारे गांव के पास वाले जंगल में कोई बाघ नहीं है। जहांपना, शापित होकर मनुष्य से बाघ बनकर विचरण करना, ऐसे कई किस्से कहानियां हमने बचपन में पढ़ी हैं और सुनी हैं। बलदेव जी, किस्से कहानियों के आधार पर किसी की जिंदगी का फैसला नहीं किया जा सकता। जैसी हैसियत वैसी सोच। जहां पर अक्सर किस्से कहानियों का ढांचा कहीं ना कहीं सत्य के स्तंभ पर टिका होता है। हम आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं। तो बागू, जरा सबसे पहले अपनी शक्ल दिखाइए। और अब ये बताइए कि क्या आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं? हमारा काम है बाघ बन के खेल दिखाना। जहांपना, जहांपना, हमें इस शख्स के हालात कुछ ठीक नहीं लग रहे, ये हमारी आवाम के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। माफ कीजिएगा बानो जी, किसी भी व्यक्ति को जाने पहचाने बगैर उसके बारे में राय कायम कर लेना ये ठीक बात नहीं। जैसी हैसियत वैसी सोच। जब सारे गांव वाले एक साथ बाघू के शापित होने के बारे में अपनी मुहर लगा रहे हैं तो फिर क्यों आप अपनी राय से बाघू को बेगुनाह साबित करने पर तुले हुए हैं? सभी गांव वालों की बातों को मद्देनजर रखते हुए हमें लगता है कि इनका इस तरह खुले हमारी आवाम में घूमना खतरे से खाली नहीं। सिपाहियों, ले जाओ इसे और कुछ वक्त के लिए कैद खाने में डाल दो। आज इस पंजे की लड़ाई से साबित हो जाएगा कि हूर किसकी बनेगी। जो जीतेगा उसकी बीवी बनेगी हूर और हारने वाला बनेगा लंगूर। वासु, ये मुकाबला जीतने का गलत तरीका है। अरे जाओ सलीम भाई साहब, कुल्फी खाने के लिए और अपनी मोहब्बत पाने के लिए सब जायज है। अच्छा भाई साहब, आराम से बैठ के बात करते हैं, अभी बहुत ज्यादा हो गया है। देखो सलीम भाई साहब, हम खेल खेल के एक दूसरे की हड्डी पसलियां क्यों तोड़ रहे हैं? अरे यही जोर आजमाइश हमें किसी और पे करनी चाहिए ना। बात तो तेरी ठीक है वासु, लेकिन हम ये आजमाइश करें किस पे? वो है ना अपना बागू जो कैद खाने में बंद है उस पे। देखो सलीम भाई साहब, हम जाके बागू से दो दो हाथ करेंगे, बस जो जीता उसकी पत्नी हूर और आप लंगूर। मेरा मतलब हारने वाला लंगूर। चल हाँ।
बागू कहाँ गया? मुझे क्या पता। अरे अब पंजा किससे लड़ाए? बात तो कहीं ना कहीं ये भी सही है। देते हैं लोग। बाबूजान, अरे अरे, अरे दिन भर तो परेशान करते रहते हो, रात में भी सोने नहीं देते ठीक से। अरे पिताजी, वो बाग बहादुर बागू है ना, वो भाग गया और उसने मुझ पे हमला भी किया। हमला? अरे हमला तो ठीक से बोल। अरे बेटा, मेरे लाल, मेरे पीले, इस बाघू का तो कुछ करना होगा, इस बाघू का तो कुछ करना होगा। ये हम बाघू को नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। सो गए? भाग गया? ऐसे कैसे भाग गया? पर आपने भी अपना क्या हाल बना रखा है वासु, रात के उस वक्त आप दोनों को वहां जाने की जरूरत ही क्या थी? वो मैं वो कुछ नहीं अब्बा हुजूर, वो तो हम ये एहतियात बरतने गए थे कि बागू अपने पिंजरे में ही है ना, है ना, है ना, है ना। जापना, कल उसने हमारी गाय उठा ली, हमारे पास एक ही गैया थी, वो भी चली गई। जापना, बागू अब तक गाय और बकरियां उठाकर ले जा रहा है, कल को वो इंसानों पर भी हमला कर सकता है। कहां जाएंगे जापना? हर कोई इंसान बाघ कैसे बन सकता है? ये बात हमारे समझ के परे है। और वैसे भी इतनी सख्त निगरानी के बावजूद बागू को कोई कैद खाने से भगाकर कैसे ले गया? राजा बिरबल, अगर आपको लगता है कि बागू सिर्फ मनुष्य है तो जाइए पकड़ कर ले आइए। ये सही है बीरबल, सेना की एक टुकड़ी लेकर जाइए और इस बागू को या बाघ को या इंसान को या जो भी ये है, इसे पकड़ कर तुरंत हमारे सामने पेश कीजिए। नहीं जापर, एक ढोंगी बाघ को पकड़ने के लिए हमें सेना की टुकड़ी की आवश्यकता नहीं। अरे बाबा जी, वो कहीं आ गए? वो बहुत खतरनाक है। वो कितना भी खतरनाक क्यों ना, हम खुद अकेले जाएंगे और उसे पकड़कर आपके सामने ले आएंगे। जाकर बहुत खूब, आज आपने हमारा दिल बाग बाग कर दिया। आई बीरबल जी, ये देखिए, कल शाम यही हमारी गैया सुनंदा बंदी थी और आज नहीं है। और ये देखिए, खून से सनी हुई रस्सी, ये देखो। हमारी गैया, ये बीरबल जी देखो, बागू के पैरों के निशान, ये देखो। आप भी, आपको लगता है ये काम बागू का नहीं है? हमारी गैया। आपने तो हमें डराई दिया था। तू भी कुछ कम नहीं है महेश, मैंने कहा था ना, घर के बाहर गेरू से कुछ लिपापोती कर रही हूँ, तू जरा मेरी मदद करने आना। एक तो तू मेरी मदद करने नहीं आया और अभी तक सोया भी नहीं। आप सो रहे हैं थोड़ी देर में, पता नहीं क्या सोचते रहता है।
संभल के, यही कहीं आया है। बीरबल जी, ये देखिए पंचों के निशान। इस निशान चले ले चले। बीरबल जी, आप बागू को असली बाग समझते रहिए, तब तक हम महल में अपनी दूसरी चाल चलते हैं। जहापना, इस बागू ने तो कल हद ही कर दी। बीरबल जी पर हमला। राजा बीरबल, अब तो आपकी आंख खुली। जी बलदेव जी, और जहापना, अब हम इस दरबार में मौजूद सभी की आंखें खोल देंगे। मैं क्या क्या सुन लेंगे? क्या? मैंने क्या क्या सुन लेंगे? कह रहा है कि इसकी तो एक ही आंख खुलेगी, चोट लगी है ना? आपकी तो एक ही आंख खुलेगी वासु जी, लेकिन बाकी सब अचंभित रह जाएंगे जब उन्हें यह पता चलेगा कि हम पर हमला करने वाला बागू नहीं कोई और था। ये क्या कह रहे हैं आप बीरबल? आपने इस बागू को खुद रंगे हाथों पकड़ा है। जापना, दरअसल बात यह है कि हमारी माता जी जो है उन्होंने घर के बाहर आंगन में गेरुए की लिपाई पुताई की थी। गेरुआ गीला था जापना, तो अगर बागू ने हम पर हमला किया होता तो जिस वक्त बागू हमारे घर से भागा तो उसके पंजे पर गेरुआ लगा होता, और जब हमने बागू को पकड़ा तो उसके पंजे पर गेरुए के निशान नहीं थे। आप ये कह रहे हैं बीरबल कि इस बागू की आड़ में कोई और है जो हमले कर रहा है? जी हाँ जापना, कुछ ऐसे ही हो रहा था। ये आप कैसे कह सकते हैं बीरबल जी? जापना, जब हम गोली से मिले उसके तबेले में तो हमने वहां देखा कि ताजा गोबर पड़ा हुआ। अब सोचने वाली बात यह है जापना कि अगर गोली की गाय रात को बागू उठाकर ले गया तो सुबह ताजा गोबर कैसे? क्योंकि गोली ने हमें यह भी कहा था कि उसके पास सिर्फ एक ही गाय। हमें संदेह हुआ और हमने गोली के खेत की तलाशी ली, और खेत की दूसरी ओर
हमें गोली की गाय मिली, वो भी जिंदा। और फिर हमने गोली के घर की तलाशी ली और गोली के घर से हमें ये बाघ का चोगा मिला। गोली, इसके आगे की दास्ता आप खुद बताएंगे या फिर झापना के पास एक असली शेर है पिंजरे में जो कि कई दिनों से भूखा है, तो फिर क्या हम आपको उस पिंजरे के अंदर डाल दें? रहम झापना, रहम। मैं ही बाघ बनकर सबकी बकरियां चुराया करता था ताकि आप बाघू को कैद कर लो और बाघू की जमीन पर मेरी नजर थी, मैं हड़प कर सकूं उसे, और इसकी जमीन मेरे पास गिर भी पड़ी है। तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुमने बीरबल पर हमला किया, इसके बाद हमारे महल में घुसकर हम पर हमला करने की कोशिश की। नहीं जापना, मैंने बीरबल जी पे हमला नहीं किया और महल में आकर आप पर भी हमला नहीं किया मैंने। गोली सच कह रहा है जापना। क्या कह रहे हैं बीरबल आप? अभी अभी तो आपने गोली के बारे में बताया और आप ही कह रहे हैं कि ये सच कह रहे हैं। नहीं जापन, गोली ने आप पर हम पर हमला नहीं किया, क्योंकि अगर गोली ने आप पर हम पर हमला किया होता तो हमें गोली के घर से जो बाघ का चोगा मिला उसके पंजे पर भी गेरुए के निशान होते, जो कि नहीं है। ये देखिए, इसका मतलब ये हुआ जापना के बाघ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन। ये तीसरा कौन है बीरबल? कौन है ये जो आपको और हमें, हम दोनों को मारना चाहता है?